सेमी सर्कुलर डब्बा है, ये ऐसे रखा हुआ है लेकिन ये डब्बा है ना। डब्बा कैसा हॉलो, और डब्बा बीच से काटा हुआ है, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर काट के बीच से हल्का इसको हटाया हुआ है, ठीक है। अब इसको डीज कहते हैं क्योंकि डी शेप का होता है। यहाँ पर देख रहे हो चार्ज पार्टिकल का ट्रैक ऐसे ऐसे निकाल होगा, जैसे ऐसे साइकिल में मूव करेगा स्पाइरल पाथ हो जाएगा। रीजन कि उसका बी अंदर की तरफ अगर देखो और बी जो है वो इस डायरेक्शन में तो फोर्स इधर हो गया, यानी इधर ऐसे फोर्स लग रहा है तो इसको इस तरह से मूव कर रहा है, बी ऐसे बी ऐसे करता है ना। तो उसके नीचे ये देखो ये डब्बा हॉलो कैसा है, ध्यान दो ऐसे ये ऐसे ये डब्बा हो सकता है ना, पांच इसको समझ रहे हो ना, पांच इस पर का डब्बा है। अब इस पर एक को रखा तुम पॉजिटिव टर्मिनल पर, एक को रखो नेगेटिव टर्मिनल पर, तो बीच में बहुत ही कम जोन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा हो रहा है। yes. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फिगरेशन एटसेट्रा क्या है उस पर ध्यान मत दो, सिंगल लाइन निकल के इसके ये जो मार्जिन है, हाँ ऐसे मार्जिन है, मार्जिन से निकल के मार्जिन में आएगा, यूनिफॉर्म रहेगा नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, उससे लेना देना कम है, समझो पहले तो उससे लेना देना कम है क्या कि वोल्टेज भी हाई अप्लाई करें, ठीक है। हाई वोल्टेज से एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव यहाँ से निकल के इसमें अगर आता है तो हाई से लो पोटेंशियल पड़ाया ना, हाई से लो पोटेंशियल पढ़ाते हुए उसका एनर्जी काफी बढ़ गया। yes. तो स्पीड भी काफी बढ़ गया। yes. और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ये मैग्नेटिक फील्ड में ये इतना बड़ा जो जोन है इसके अंदर जब तक घूमते रहेगा तब तक नहीं, तब तक उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जानते हो कि खोखला कोई